बनाएंगे ये जो दो यमी से दिख रहे हैं ना, स्वीट एंड कूल, ये है स्मूदी जो कि फ्रेश ब्लूबेरी से बनाएंगे, और ये है शेक, ये भी हम फ्रेश ब्लूबेरी से बनाएंगे, और ये दोनों ही बहुत हेल्दी हैं क्योंकि हम शुगर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें जो भी मटेरियल डालेंगे वो सब हेल्दी न्यूट्रिशियस है। क्या डालेंगे और कैसे बनाएंगे चलिए मैं बताती हूँ। आज जो हम बनाएंगे उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रेश ब्लूबेरीज हैं, देखिए ये काफ़ी मीठी भी हैं, ये आजकल मॉल वगैरह में मिल जाती हैं, मुझे भी मार्ट में मिल गई हैं। ये मैंने कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं, ये ऊपर से मैं सजाऊंगी, उसके लिए मैंने ड्राइड क्रैनबेरीज ली हैं, कॉन्ट्रास्ट कलर में है तो अच्छा लगेगा। ये जो स्मूदी बनाएंगे उसमें मैं बनाने से उसकी टेक्स्चर आएगा, उसमें वो क्रीमीनेस आएगी, उसके लिए मैं ये डालूंगी, और साथ में मैं शहद डालूंगी स्वीटनेस के लिए, और जो शेक बनाएंगे उसके लिए चिल्ड दूध लिया है मैं, साथ में ये ब्लूबेरी योगर्ट भी ले रही हूँ जो स्मूदी बनाएंगे उसमें डालने के लिए। तो इन सब मटेरियल से हम दो बहुत ही यमी ड्रिंक फ्रेश ब्लूबेरी के तैयार करेंगे, कैसे चलिए बताते। पहले ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं ये ब्लूबेरीज डाल दूंगी, आधी ब्लूबेरीज डाल दूंगी, ये एक कप ब्लूबेरी है जिसमें से आधा कप मैं ये इसमें डाल देती हूँ। देखिए इस तरीके से आधी ब्लूबेरीज डाल दी है मैंने इसके अंदर, और साथ में मैं इसमें शुगर के लिए मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ, उसकी जगह मैं ये शहद डालूंगी, ये बहुत ही हेल्दी तैयार होगा। 1 स्पून के करीब मैंने इसमें शहद डाल दिया है, और पहले मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी, बाद में बाकी का करूंगी, पहले एक पेस्ट जैसा तैयार कर लूंगी इससे। तो इसको अब हम ब्लेंड कर देते हैं। ये देखिए इसको हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है, ये इस तरीके का देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना। अब हम बाकी का इसमें मिल्क मिला देंगे, जितना तैयार करना है उसके हिसाब से। तो ये हम मिल्क डालेंगे और साथ में थोड़े से आइस क्यूब अपने स्वाद अनुसार। देखिए कितनी गर्मी है, आइस क्यूब बाहर रखने पर गलने लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इस समय ठंडे ठंडे ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, और फ्रेश ब्लूबेरी जो है सुपर फूड्स में मानी जाती है, तो ये बहुत ही हेल्दी भी होगा जिसमें मैंने शुगर भी ऐड नहीं की है, सिर्फ हनी से स्वीटनेस दी है। इस तरीके से ये यमी ब्लूबेरी शेक हमारा रेडी है। इस पे ये थोड़ी सी मैं काजू और बादाम की इस तरीके से मैंने काटी हुई है छीलन वो डालेंगे, और थोड़ी सी ये ड्राइड कैनबेरी डालेंगे, ये भी बहुत यमी लगती है इस तरीके से। तो बस ये हमारा ब्लूबेरी शेक तैयार हो गया है जो बहुत हेल्दी है और साथ में बहुत ही यमी भी है। अब दूसरे वाले के लिए हम वापस जो बची हुई ब्लूबेरीज हैं हमारी वो हम डाल देंगे इस तरीके से। साथ में उसमें मैं ये योगर्ट जो है ये 2 चम्मच ये योगर्ट डालूंगी, ये ब्लूबेरी योगर्ट ही है हमारे स्मूदी के लिए। ये एक केले को इस तरीके से छील के और हम इसके छोटे छोटे स्लाइसेस इसके अंदर डाल देंगे। ये पका हुआ केला लीजिए क्योंकि तभी स्मूदी के लिए वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें मैं थोड़ा सा ये जो हमने दूध और ब्लूबेरी का मिक्सचर तैयार किया था वो सिर्फ मैंने हल्का सा उसको इससे ब्लेंड हो सके थोड़ा लिक्विड होगा ना इस तरीके से। देखिए ब्लूबेरी बनाने और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड
ये देखिए कितना गाढ़ा टेस्टी हमारा ब्लूबेरी का स्मूदी तैयार हो गया है। अब इसको भी हम एक शॉर्ट ग्लास में निकाल लेंगे। सबसे पहले मैंने ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डाले हैं, जितना आपको ठंडा पसंद हो उतना डालेंगे। और फिर हम इसमें देखिए कितना गाढ़ा है ना, वाह कितना यमी लग रहा है ना, बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। इस तरह से ये हमारा ब्लूबेरी स्मूदी तैयार हो गया। इसके ऊपर हम कुछ ब्लूबेरीज काट के डालेंगे इस तरह से हाफ हाफ करके, या ड्राइड ब्लूबेरी हो आप वो भी डाल सकते हैं, पर मैं सारा फ्रेश ही डाल रही हूँ। मुझे मिल गया इस तरीके से हाफ करके, ये भी डाल देंगे। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा तैयार हुआ है हमारे ब्लूबेरी स्मूदी। तो बस ये तैयार हो गया, बहुत ही मजेदार सा ये है हमारा फ्रेश ब्लूबेरी स्मूदी, और ये है हमारा फ्रेश ब्लूबेरी शेक। और ये तो बहुत ही हेल्दी है क्योंकि मैंने शुगर का प्रयोग नहीं किया है इसमें। हमने शुगर हनी से ऐड किया था, मीठा पोर्शन जो स्वीट पोर्शन है दैट वाज हनी, और इसमें हमने वो जो मीठा बनाना लिया था उसकी स्वीटनेस है, और साथ में मैंने जो थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया वो स्वीटेंड होता है उसकी स्वीटनेस है। तो ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया है, गर्मी भगाने वाले हैं, और साथ में जैसा कि ब्लूबेरी को कहा जाता है सुपर फूड माना जाता है, ये बहुत ही हेल्पफुल है हमें रोगों से बचाने में। तो इस बार आप बनाएं ये अलग टाइप के, एक स्मूदी एक शेक वो भी फ्रेश ब्लूबेरी से। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग सखी किचन।